मुर्दाबाद 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद 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 गहलोत सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी गहलोत तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी आयुक्त के दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी आयुक्त के दम पर तानाशाही। देखिए आप सबको पता है जिस तरीके से जनता के जनमत के द्वारा चुनी हुई सरकार शहरी सरकार जिसको पूरा बहुमत मिला हुआ है ऐसी भाजपा का जो बोर्ड है उस बोर्ड की मैं और मेरे जो पार्षद हैं उनका जो निलंबन करना बिना कोई कारण सुने हुए बिना अपनी बात को रखे हुए बिना समय देते हुए तत्काल जो सरकार की इस तरह की गुंडागर्दी है वो नहीं चलेगी। और सरकार ने जिस तरह का जो निलंबन किया है आधी रात में जो काम करता है वो चोर करते हैं। देखिए सरकार जो है सरकार को पता था सारा और ये कूट रचित जो उन्होंने पूरा कार्यक्रम बनाया है आप ये आपको याद होगा एक जिस तरह से सरकार ने ये एलिगेशन लगाया आप ये देखिए जिस दिन चुनकर आई उसी दिन से ही षड्यंत्र रचना शुरू हो गया था। आपको एक भेड़िया और मेमने की कहानी पता होगी भेड़िया और मेमने की कहानी जानते होंगे कि भेड़िया बोलता है मेमने को कि तुम पानी पी रहे हो तुम्हारा जूठा हुआ पानी मेरी तरफ आ रहा है। मेमना बोलता है कि नहीं पानी का बहाव तो आपकी तरफ से आ रहा है। फिर भेड़िया बोलता है कि नहीं नहीं ये जो पानी है अच्छा ठीक है तुम जो है तुम्हें मैं खाऊंगा। तो वो जिस कारण से भेड़िया और मेमना की जो कहानी है वही है। तो अगर गहलोत सरकार को हटाना था भाजपा के बोर्ड भाजपा की मेयर को हटाना था तो ये इतना ढोंग और गांधीवादी कुर्ता पहनने की आवश्यकता नहीं है। उनको उनको उसी दिन जिस दिन शपथ ली थी उसी दिन ही वो कह देते कि आप ये पीएसओ जो है इसको अभद्र भाषा बोली अगर ऐसे झूठे आरोप ही लगा देते उसी दिन झूठे आरोप लगा देते और कह देते बना देते कांग्रेस की मेयर। लोकतंत्र की हत्या ही करनी थी लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार ही करना था तो उसी दिन कर देते। इसको कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे और इस तरह का जो ये वातावरण है ये नहीं चलेगा। पहले भी जीत के हम कोर्ट में।